टी इज बींग सर्व टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ सी सी रियूनियन. The instructors will be ready. So once you finish up this, then you will be going for that rock climbing or rappelling, whatever you want to do. So people will all can move together also, whichever way. Otherwise, if you want to be staying around in the main ground, that you can do. The choice is yours. Rock climbing and sky cycling will be done in that. So let's move from here. जिप लाइनिंग की तैयारी की जा रही है. वैसे ही ढीला लग रहा है मुझे. क्यों? मजेदार बनता था. ढीला क्यों लग रहा है? ढीला लग रहा. हाँ भाई, कौन क्यों ढीला चल रहा हूँ? क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ. हमारे से तो हैंग है. इधर तो टेंट्स लगे हुए हैं. गुड. पूरा वही एनवायरनमेंट कैंपिंग. दादा ये बाद में डेवलप किया है. ये पिछली बार था नहीं जब हम लोग आए थे मेरे ख्याल से. बहुत बढ़िया डेवलप किया हुआ है. शिवलिंग सारे पीक्स के नाम है. यहाँ इन्होंने गाय पाल रखी है. हाँ. ब्यूटीफुल. पुरानी सारी आदत आज हो गई जी दादा. करंट आता है आगे चला जाता है. हाँ दादा, ये वाला क्रैक भी मैंने चढ़ा हुआ है सामने. ये वाला? हाँ, ये सामने पूरा सीधा चला. उस समय वो अलग से करंट था. क्यों दादा? डालो डालो. थोड़ा सा रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कराने की व्यवस्था की जा रही है. छावड़ा जी, मेरे को आना है क्या?
यू नीड हेल्प जी। हेलो जरा स्माइल बरसों बाद रॉक पे आना हुआ है। केदारनाथ वहां दुआ करी थी मंदाकिनी नदी पास करी थी। तेजवीर इज कमिंग। तेजी क्या करा रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग या रैपलिंग? मेटल स्टॉप पे ऊपर मंगा लेते हैं। रोप है, इस लायक है? रोप तो अच्छी है लेकिन ब्लेक के लिए एक रोप बोल रही है। नीचे है जी सर। जरा ध्यान से जूतो दाने पड़े जूते देख दिखा रहे हो तो ध्यान से चावड़ा जी। हाँ सर ध्यान ही करना पड़ेगा, बिना ध्यान के तो फिर मैं तो फूट फूट आएगी खा लेगा फूट ना लाऊंगी ना। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। वेरी गुड गुड वर्क कावेरी गुड गुड गुड
ओ ये ऊपर आ रही है, जरा देख लो। प्ले करो, प्ले तो कर लो। तारिक साहब जरा इधर भी देख लो, वीडियो। थैंक यू। बिल्कुल, हम हमें एंजॉयमेंट हो रहा है इसके अंदर काम करने में। हाँ ये जरूर है कि हम उसके अंदर स्ट्रेस वो नहीं ले रहे हैं कि भाई इसमें और मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। हमारा साथ जो है आई थिंक 45 प्लस शुरू से ही हो गया, लेकिन जैसे कोई वो फेस्टिवल हो आपको शायद नहीं पता होगा कि सबसे पहले जो फोटो देखी थी ना मैंने भाभी की, इन्होंने पहले मेरे पास आए थे, स्टाफ रूम के बाहर मुझे बुलाया। अच्छा ये आपकी फोटो जब से तरह इसको दिखाई है ना वो मैं। अच्छा याद है। वो जो हम लोग गोवा ट्रैक में गए थे नेशनल ट्रैक में, वो युद्धासु के तरफ था, मैंडवी रिवर के पास वो टेंट लगा के वहाँ पे बेस कैंप। ये जो तुम कह रहे हो ना हमारे साथ अग्रवाल घाट गए कभी, एक प्रोग्राम में हमारे साथ अग्रवाल गए थे हमारे टीचर। अच्छा हमारा भी ये था कि बच्चे पहले खाना खा ले सारे, उसके बाद खाएंगे ठीक है। वहाँ श्रीनगर हम लोग ठहरे हुए तो मुझे बस का इंतजाम करना था एक्चुअली वापसी के लिए, तो मैंने अग्रवाल से कहा, मैंने कहा यार खाना तुम दे जाना बच्चों का, ठीक है। अच्छा हम जब खड़े होते तो 10 लड़के साथ में खड़े होते थे, सर क्या करना है क्या करना है बोलो, लगा दिया काम में, तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो। अग्रवाल जब खड़े हुए तो कहने का आज तो कोई खड़ा ही नहीं होगा। करने दो क्यों, कि उनका क्या उसूल था कि पहले सीटें बैठ जाए, तबरेज हाँ वो जरा वो भेज देना तबरेज। बच्चे कहते मुझे क्या सर, मैंने कहा भाई बात सुनो हम कलीग है ना, तुम्हारा बीच में क्या बीच में बोलने का मतलब ठीक है, लेकिन बच्चों ने कहा सारे घर निकाल दो। तो खाना भी चाहे घर का हो, पब्लिक फंक्शन हो, रामनवमी हो, कहीं का भी हो, जब सारे लोग आ जाएंगे सब खाना खा लेंगे, होटल में भी मेरा इवेंट जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ सारे खा लेंगे तब जाओ, उससे पहले कभी भी नहीं है। और वो 5-star होटल के कैटर को सबको पता है कि सुकुमार ने अगर प्लेट उठा लिया इसका मतलब सब खा चुके हैं। अब मैं पूछ सकता हूँ सुमार से कि ये क्लोज करें, वाइंड अप करें, मेरा आदत है बचपन से ही है। कभी मतलब ये जगह बनती नहीं तो 87 आई के मेरा फर्स्ट टाइम एज अ यंग बॉय एज अ यू नो पार्टिसिपेंट इन यू नो आई स्टे बैक एंड थैंक्स टू दादा एंड एंटायर टीम सो एंड देन इन हिस्ट्री एंड गॉड इज काइंड जगह कोई ले नहीं रहा था, मतलब चार बार आशन होगी नोबडी गॉट टू पिक अप दिस थिंग शिट पीस ऑफ लैंड बिकॉज़ इट्स वेरी एलिगेंट ग्रास एंड ऑल दिस बट यू नो सो नाउ यू हियर सो थैंक यू फॉर इनवाइट यू एंड थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट एंड मस्ट शो मेकिंग शो दैट टिकट डे एवरीवन मोर देन वेलकम आपके जगह जो भी आई है जस्ट के आई है जॉइन जस्ट कैप सो थैंक्स सो यू नो when you're just casually talking, he came out with a very brilliant thing here, very nice thing. I would like him to introduce that. Okay. When you hear, farmhouse, this is called NAS Foundation. NAS Foundation is animal care, right? You like just give you a little introduction. If you guys are interested, then we will plan for it more. Right? Just over there. So, barely, things are making from here. Okay. When you go this way,
Sri heads the Das Foundation, which is very popular in our country. It's an NGO, and it's one of the finest NGOs in the country. Usa Kutka farmer hai, and she has an animal orphanage. She has more than 300 animals over there, which have been picked up in districts. So which means that you have dogs who can't bark, you have dogs who don't have legs. So say cartwheel bana ke, prosthetics bana ke, the guys who now the dog can walk because pichhe ki do legs nahi hai. Ab because of the cartwheel, the dog can walk. You have horses who are blind, who can't, you know, see. You have emus who are rotten in the fat Delhi circle parties. They dine and drink with the emus right next to you, and then buffers the salt so they're discarded. You have buffaloes, you have cows, you have parrots, you have nth number of birds also. So each animal has a story. हर किसी को डिस्ट्रेस में उठाया गया है और उसको मतलब केयर कराया गया है, उनके अंदर हॉस्पिटल भी है. सो सो व्हेन यू वॉक इन जो भी ब्रीडिंग बाय 100 डॉग्स एंड बाकी में फील, सो यू माइट फील देयर गोना अटैक यू, बट द फैक्ट इज के डॉग्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू यू नो फाइंड कंपनी एंड यू नो दे वांट टू वेलकम यू. बट इट्स अ वेरी एंगेजिंग एक्सपीरियंस, अ वेरी हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस. शायद रोना भी आ जाएगा, बिकॉज इंसान तो बोल लेते हैं, जानवर बोल भी नहीं पाते हैं. बट इट्स अ फैंटास्टिक जॉब दैट शी इज डूइंग. सो वी प्रमोट हर, वी आल्सो पे अ टोकन अमाउंट टू गो टू हर यू नो फार्म हाउस. बट इट्स अ गुड एन आवर एंड अ हाफ एन एक्सपीरियंस वेर यू कैन गो एंड एंगेज विद द एनिमल्स एंड यू कैन सी एस व्हाट शी इज डूइंग. सो इफ यू विश, इट्स अ वन ऑफ 15 मिनट्स वॉक टू हर फार्म हाउस. And उसके अंदर जाके it's up to you, could be an hour, could be a different cup, and then you come back to the camp. So if you wish to, you can do that tomorrow. It's a great activity. It's not an adventure activity, but it's an activity which is memorable. It's an activity which is unforgettable. So you might like to, you know, take that back to the camp. That's an option if you wish to go. So Sahil, Sukumar sir, वो कोई दूसरा अनपैरेलल था, कोई सोचता भी नहीं था.
you look at Ranish ji, Shishan ji, they have been a part of expeditions. So, मतलब मैं भी अभी कभी सोचता ही नहीं हूँ कि शायद मैं उनका part होता. And they have done it, you know. Kittu has been amazing inspiration to me in my life. So, उसने जान भी बचाई है और उसने इतना inspire भी करा है. And he's been a partner in my crime journey, in my adventure. So, I can't thank him enough. So, ऐसी दोस्तियाँ बनती नहीं हैं. जो बनी है ना वो इनक्रेडिबल है. मतलब और वो शायद जिंदगी भर मतलब बनती थी, दोबारा भी बन सकती है, अक्षय भी बन सकती है जो पहले बन गई वो बन गई. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर थैंक यू फॉर दैट्स अ फीचर फॉर इट. रानी, क्यों क्यों चिल्ला रहा है भाई, क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, थोड़ा सा इधर टर्न अप हो जाइए, आप सबके साथ आ जाएगी रॉक्स. We are going for a walk on these rocks. खाने के लिए भाई वाले नहीं है। ये पक्के मोशी वाले शूज़ हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर वेलकमिंग अस after a very very long time. Tesu ke phool hai, tesu ke hai ye,
इसी का ही वो रियली इसी से वो अच्छा होली पे कलर बनाते हैं ना। अच्छा ये प्लांट है एक बहुत ही पुरानी कहावत को अप्रूव करते हुए, ढाक के तीन पात। हर एक फुंदगे पर तीन ही पत्ते लगते हैं। ये है हमारा डैम, यहाँ पे हम रात को घूमा करते थे। सीसी के कैंप लगा करते थे तो रात्रि को खाना खाने के बाद यहाँ टहलते थे। खाना उसके पहले जो गंदा से एक जिसके अंदर स्टोर जैसे Thank you.
ऐसे कोहरे में लिपटा हुआ व्यू तो हमने तब भी नहीं देखा वास्तव में, क्योंकि आना नहीं होता था ना सुबह सुबह। बहुत ही शानदार व्यू है। दो या तीन तिलिया देने गिन के, बाकी वो पुराना पत्थर से जला के करो। ये बॉर्डर देखो, ये हिल रहा है, ये वाला जो ठीक है, आप उधर से आइए। कुमार जी देखकर अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर, वो देखो फोटोग्राफी कर रहा है। क्या है इधर इधर क्या है? अच्छा उधर तो बहुत गए हैं, बहुत गए हो। बहुत हमारे साथ आए थे दादा, ऊपर गए हैं वो, पर एक चीज है ना, उनके पास कोई गाइड नहीं है। नहीं नहीं है, चेतन है, चेतन है, बिल्कुल चेतन है, है? मैं थोड़े वापस जा रहे हैं। अच्छा 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 वापस जा रहे हैं।
जो हमारे कैंप लगा करते थे सीसी के धौज में, तो मॉर्निंग में हम सब लोग इसी सड़क पर जॉगिंग किया करते थे, और इससे आगे पीछे की तरफ में एक गांव है लगभग 4-5 किलोमीटर दूर, वहां तक हम लोग जॉग करते हुए जाते थे, वापस आते थे, और आधा घंटा एक्सरसाइजेस, ट्यूनिंग अप, स्ट्रेचिंग, पावर एक्सरसाइज, ये सब चला करती थी। बहुत खूबसूरत दिन थे, आनंद आए। यूँ तो आज भी बहुत खूबसूरत हैं, पर वो अंदाज़ दूसरा था, और आज खूबसूरती को महसूस करने का अंदाज़ दूसरा है। As soon as we grow, our perception changes itself. तैयारी चल रही है गुरु फोटो की, सब लोग धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करके आ रहे हैं। एंड इट वॉज सच ए जॉयस स्टे, रिमाइंडेड अस 30 years बैक टाइम। चलिए आ रहा है फ्रेम में माउंट, वो पीछे की रॉक्स आ रही हैं। प्लीज तो 2 मिनट के लिए बैठ जाइए प्लीज। काइंडली सिट डाउन प्लीज, यू कैन टॉक। प्लीज सिट डाउन। अभी आप लोग इंडिविजुअल ग्रुप फोटोग्राफ लेते रहे ना, अभी बैठ जाओ सारे। प्लीज कम बेटा, कम 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 कम, तुम्हारा है। कम कम कम। यस किडोजी, आर वी रेडी? आ रही है, चल रही है ऑलरेडी। वेरी गुड। बोले का भाई बम। थैंक यू। चलो स्काई साइकिलिंग, हु आर आल्सो डू, हु आर टू डू स्काई साइकिलिंग? This is beautiful tent accommodation. Just see what is there inside. Every facility is there. You can enjoy home here. Two baths are there. Here, yeah.
Another one is this. It's very enjoying. It's a great fun to stay here. Sky cycling is going on, moving ahead. Tonight's experience. हम लोग यहाँ आए हैं कैंप वाइल्ड से लगभग 3 किलोमीटर दूर नाज एनिमल्स ऑर्फनेज में. अब देखते हैं यहाँ पे कितने तरीके के जानवर हैं या पक्षी हैं. ये डिसेबल्स को रखते हैं जो बिल्कुल ही स्थिति ख़राब है जिन जानवरों की. दे फाइंड आउट एंड दे कीप देम, दे ट्रीट देम, दे अरेंज लिम्स आल्सो, इम्प्रोवाइज्ड लेग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. तेजवीर ने इसके बारे में बताया था, शशांक जी ने इसके बारे में बताया था, और जिस तरीके से उन्होंने बताया था उस तरीके से हम सबका भी दिल करा कि हम एक बार यहाँ आकर विज़िट करें और देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या चीज़ है यहाँ पे, किस तरीके से रखा जाए. सारे कहीं बीमार हुए हैं, किसी की लिम्स खराब है, किसी की आँखें नहीं हैं, सारा ट्रीट करते हैं. एक ग्रेट डेन है. और ऐसे भी डॉग्स हैं यहाँ पे जिन्हें उनके मालिक छोड़ देते हैं, मालिक ही छोड़ देते हैं, उनको भी रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ग्रेट डेन तो आम मिलेगा नहीं. क्या ज्यादातर बीमार रहे डॉग्स यहाँ पे आके काफी ठीक हुए हैं. हर प्रकार की ब्रीड यहाँ मिलेगी. देसी डॉग हैं, मालिकों के द्वारा छोड़े गए डॉग्स हैं. सर 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 सर